जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। अगर आपको जॉब लेना है तो आपके लिए 3-4 नहीं 5 टोटल वैकेंसी लेकर आया हूं, और हर जॉब कोई शुरू हो चुका है और शुरू होने वाला है। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इस 5 फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक लेवल है, इंटर लेवल पे है और ग्रेजुएशन लेवल पे है। अगर आप मैट्रिक किए हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, इंटर पास किए हैं तो आपके लिए 4 वैकेंसी है, और आप ग्रेजुएशन है तो आपके लिए 5 वैकेंसियां हैं, और ये आप वैकेंसी भर के आप जॉब ले सकते हैं। अगर आप फुल फोकस, अगर पूरी तैयारी इस वीडियो पे आप करते हैं, इस वैकेंसी को आप देखते हैं और इस वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो आप 5 वैकेंसी में से किसी न किसी एक वैकेंसी को आप जरूर आप जॉब ले सकते हैं। तो चलिए देर न शुरू करते हुए आज का वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक देख लिया आपने, एक नहीं टोटल 5 वैकेंसी लेके आया हूँ। कौन सी वैकेंसी की योग्यता क्या है, कितनी सीटें होने वाली है, कब भरी जा रही है, सारी चीजें आपसे क्लियर करूंगा, और सबका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका जो वैकेंसी होने वाली है, जो आपको दिल्ली पुलिस MTS सिविल का ट्रेड का जो वैकेंसी होने वाली है, ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस MTS ट्रेड, सिविल ट्रेड का होने वाला है। टोटल पोस्ट 888 पोस्ट होने वाला है। योग्यता देखिए, इसमें 10वीं पास, जो आप अगर आप 10वीं पास हैं, चाहे इंटर चाहे ग्रेजुएशन जो भी है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात कर लेते हैं, इसमें उम्र तो देखिए 18 से लेकर 27 साल, और OBC और SC ST के लिए 3 साल प्लस 5 साल का छूट है नोटिफिकेशन के हिसाब से। ये जो आपका फीस की बात इसमें कर लेते हैं, तो इसमें टोटल 100 रुपए का फीस है जनरल OBC के लिए, बाकी SC ST और महिलाओं के लिए 0 रुपए का फीस है। अप्लाई का डेट बात करते हैं तो ये 10/10/2023 से इसका अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप दिल्ली MTS ट्रेड के लिए भरना चाहते हैं तो इस भर्ती को आप देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका सेकेंड वैकेंसी क्या होने वाला है, सेकेंड लेवल की भर्ती। तो सेकेंड लेवल की भर्ती है आपका, जो कि बहुत दिन से आपको इंतजार है और सभी का इसी चीज का इंतजार होता है कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो ये वैकेंसी होने वाला है SSC GD की। जी हाँ दोस्तों, SSC GD की वैकेंसी जो 2023 और 24 की वैकेंसी होने वाली है, 23-24 की वैकेंसी होने वाली है, 23 की वैकेंसी खत्म हो चुकी है। और इसकी सीट की टोटल बात कर लेते हैं तो अभी तक नोटिफिकेशन निकल के नहीं आया कितनी सीट पे है, लेकिन समथिंग दोस्तों ये 84,000 प्लस पर वैकेंसी आने की संभावना है। इसका कैलेंडर जारी हो गया है, लेकिन अभी सीट क्लियर नहीं हुआ है कि आपका कितने सीट पर, लेकिन 84,000 प्लस पे ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। इसका योग्यता सिर्फ 10वीं पास है, जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था, और आप लोगों ने फॉर्म पिछले साल भरा भी था और इस साल एग्जाम भी दिया था, और कुछ पॉइंट से कोई बहुत से बच्चे जो छट गए थे उनके लिए एक और मौका मिला है। जो आपकी कमियां थी वो इस वैकेंसी में आप उसको दूर कर सकते हैं और अपना एक सीट या आप अपनी जॉब इसमें हासिल कर सकते हैं। इसमें देखिए उम्र की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 साल, आपको 3 साल OBC के लिए और SC ST के लिए 5 साल का छूट रहता है। फीस की बात करते हैं तो आपको वही जनरल OBC के लिए 100 रुपए, SC ST और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 0 रुपए होता है। इसका अप्लाई का डेट बात करें तो कल आप देख सकते हैं 24/11/2023 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है,
आप इसको भर सकते हैं एसएससी जीडी, जो 2023 और 24 की वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं नंबर तीन, नंबर तीन पे कौन सी वैकेंसी होने वाली है। नंबर तीन पे आपकी वैकेंसी होने वाली है झारखंड एसएससी। जी हाँ, झारखंड एसएससी जो इंटर लेवल की वैकेंसी है, आप उसको किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, इसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ, पांचों की पांचों वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, ऑल इंडिया के वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं इसका, आपको झारखंड एसएससी का, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी टोटल पोस्ट की बात करते हैं, तो देखिए 863 पोस्ट होने वाली है। योग्यता देखिए 12वीं पास यानी इंटर लेवल की वैकेंसी होने वाली है। उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से लेके 35 साल, जिसमें आपको 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, ठीक है। और आगे बात इसमें कर लेते हैं फीस की, तो इसमें ₹100 जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए ₹50 का रखा गया है। यही इसमें बात कर लेते हैं आपका अप्लाई डेट का, तो इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका अप्लाई आप 20/10/2023 से इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, अगर इस बार अगर आप लोगों ने जॉब नहीं ले पाए तो आपको 24 में इलेक्शन की वजह से आपको जॉब लेना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे अभी आते हैं। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी नंबर 4 पे आपकी कौन सी वैकेंसी होने वाली है, तो देखिए नंबर 4 पे आपको भर्ती होने वाली है बिहार एसएससी इंटर लेवल की। जी हाँ, ये झारखंड की थी, JH झारखंड, और ये होने वाली है आपको बिहार। तो ये झारखंड एसएससी इंटर लेवल की थी और ये बिहार लेवल की है। इसमें सीटें आपको 863 देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार जो वैकेंसी है इंटर लेवल की उसमें आपको 12,000 प्लस वैकेंसी है। पहले 11,000 प्लस में वैकेंसी थी, अभी ये 12,000 प्लस वैकेंसी हो गई है। पहले 11,000 ये वैकेंसी थी, इसको बढ़ा के 12,000 प्लस कर दी गई है, यानी 12,000 समथिंग इसकी वैकेंसी हो गई है। योग्यता आपको इंटर लेवल की है, अगर आप इंटर हैं, ग्रेजुएशन है, जो भी किए हैं, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की बात करते हैं ना, उम्र की, जो तो उम्र देखिए 18 से लेकर 42 साल तक उम्र रखा गया है। जी हाँ, 18 से लेकर 42 साल तक उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल, बाकी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, महिलाओं के लिए भी शायद 2 साल का प्लस में इसमें आपको एज में छूट दी गई है। अप्लाई डेट देखिए, बात करते हैं इसका, अप्लाई डेट शुरू हो चुका है, जो कि 27/9 से शुरू है, जो कि 11/11/2023 तक इस फॉर्म को अप्लाई किए जाएंगे। इसकी फीस की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जर्नल ओबीसी बीसी कैटेगरी के रहने वाले हैं तो 540, चाहे आप दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तो ₹540 का फीस रखा गया है, और एससी एसटी की कैटेगरी के रहने वाले हैं, महिलाओं के लिए ₹135 का फीस रखा गया है। तो ये वैकेंसी आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए वीडियो ज्यादा लंबी हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जो भी मेन मेन टॉपिक है इसी पे हम आपको बात कर रहे हैं, बाकी आप ये भी नहीं बता रहे कि आपका फिजिकल कितना होने वाला है, क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन मैंने क्या कि वैकेंसी कब आ रही है, कब से भरी जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए। और आपका जॉब लेना है तो आपका हर वैकेंसी जितनी भी आती है इसको नहीं देखना है कि जिसमें 2 सीटें हैं कि 4 सीटें हैं कि 5 सीटें हैं, सब वैकेंसी को आपको भरना है, क्योंकि जॉब लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए ज्ञान की जो बातें हैं ना, तो ज्ञान जो होता है, नॉलेज आपको कोई भी दे सकता है, किसी प्रकार का, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो सीखने की उम्र होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, आदमी मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो चलिए अभी अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी होने वाली है,
मोस्ट इंपोर्टेंट जो पांचवी वैकेंसी होने वाली है आपको ये बिहार दरोगा, बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई यानी बिहार पुलिस दरोगा की वैकेंसी होने वाली है 1275 पे पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ 1275 सीटों पे बिहार दरोगा की वैकेंसी होने वाली है। अब इसमें भी ये भी नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले भर सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि सर क्या हम सिर्फ दूसरे स्टेट के हैं दूसरे स्टेट पुलिस में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, या हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो या आप सोच रहे होंगे कि हमारे स्टेट के लिए तो है नहीं बिहार का है, हम फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। आप बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल आप किसी भी स्टेट के या इंडिया के किसी भी कोने आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस उसका जो कैटेगरी है आपको जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें योग्यता, तो आपको देखा डिग्री पास, आप चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो एमए जो भी हो आप सिर्फ डिग्री पास आपके किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। अभी बात करते हैं इसमें उम्र की, तो उम्र का भी देखिए इसमें आराम से 20 से लेकर 42 साल तक का उम्र दिया गया है। जी हाँ 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आप उसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। इसमें आपको 3 साल ओबीसी के लिए बीसी के लिए छूट दिया गया है, एससी एसटी और महिलाओं के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, बाकी और भी इसमें छूट मिला के 42 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई का डेट बात करते हैं तो ये 5 अक्टूबर से आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ठीक है। और ये 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी फीस की बात कर लेते हैं तो देखिए आपको जनरल ओबीसी और बीसी के लिए 700 रुपए का फीस है, बाकी एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 400 का फीस रखा गया है। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपको 700 रुपए का फीस और प्लस आप जनरल से है तो जनरल कैटेगरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको इस साल की और जो आपको आने वाली नवंबर तक में जितनी भी वैकेंसी है ये 5 वैकेंसियां आपको कहीं ना कहीं जॉब दिला सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप किसी एक भी चीज की तैयारी को जारी रखते हैं तो आप जितने भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम होती है आप उसको आराम से इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को आगे निकालने के लिए सबसे पहले आपका रिटन बेस मजबूत होना चाहिए। तो इससे लिए आपको बताते हैं आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप अपना पूरा फोकस सिर्फ रिटन पे ज्यादा करके दीजिए। क्योंकि रिटन अगर आपका फर्स्ट बेस होता है, अगर फर्स्ट स्टेप अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया को नहीं देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप अगर एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आपका जो भी है फिजिकल है टाइपिंग वगैरह जो भी जितनी भी आगे की प्रक्रिया होती है उसको आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका यूजफुल के लिए है और दूसरों को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये इसके बारे में पता चल जाए कि 5 वैकेंसियां जो हो रही है और आने वाली है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर ले। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।